मेरा नाम है अख्तर जाफरी, एंट्रेंस टेस्ट स्पेशलिस्ट। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई डिस्कशन। लास्ट टाइम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूनिट पढ़ा। अगर आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्यूरियस हैं, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आज की डिस्कशन से आपके कोई सवाल हुए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई होप लास्ट लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो अब आज की इस डिस्कशन से हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेंगे गैसेस यूनिट नंबर 3 नेशनल एमडीकैट सिलेबस के ऊपर। टेस्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे और मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपको राइट ऑप्शंस बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। ऑब्वियसली बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आर की वैल्यू किस चीज पर बेस करेगी, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के जो यूनिट लगाए हैं अकॉर्डिंगली वैल्यू आपके पास आएगी। नॉर्मली हम 8.3 वाली वैल्यू को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2, वी ऑल नो दैट वी नो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर वॉल्यूम बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर है, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए में देखिए, 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O। सो अगर वॉल्यूम बराबर है तो एट एसटीपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, चॉइस अल्फा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, और ये पूछा है 250 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिडली देन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस, द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस इज। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए व्हाट विल डू इज, हम अज्यूम करेंगे कि मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरी गैस जिससे मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूं वो एक अननोन गैस है। अब आप देखिए, हम यहां पर कह सकते हैं कि इसने मुझे वॉल्यूम दिया है हाइड्रोजन का 250 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। गैस 1 का मास M1 है which is 4 times than the other gas, तो इसे 4x कीजिए और M2 को आप x कर लीजिए। Now hydrogen has this has 4x mass than this gas. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, M1 हाइड्रोजन के लिए कैसे, M1 फॉर हाइड्रोजन विल बी 2 इनटू H2 को कीजिएगा ना हाइड्रोजन गैस के लिए। तो देखिए आपके पास ये जो आंसर बनेगा इसको, और M2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट इज वी हैव टू फिगर आउट। फॉर्मूला लगाइएगा, M1 ओवर M2 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा M2 ओवर M1। ऑलराइट, यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे 4x बाय नीचे आएगा x शुड बी इक्वल टू, मुझे m2 फिगर आउट करना है, और बाय 2 अंडर रूट। सो माय आंसर वुड बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का आप स्क्वेयर लीजिएगा। सो आपके पास जो चीज बनेगी दैट इज 16 इज इक्वल टू m2 बाय 2। ऑब्वियस सी बात है, दूसरी तरफ ले जाइए तो m2 शुड बी इक्वल टू दैट इज 16 इनटू 2, आंसर इज 32 व्हिच इज मेंशन इन चॉइस, व्हिच इज मेंशन इन चॉइस चार्ली 32। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड मोर इजीली देन नाइट्रोजन, हेंस। तो हमें ये बताना है, तो याद रखिए इसका रीजन बनेगा ए ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन ए ऑफ नाइट्रोजन बट बी ऑफ अमोनिया इज स्मॉलर। तो ये कानून ज़हन में रखिएगा कि कब कोई गैस नॉन आइडियल होती है, इसके लिए ए की वैल्यू का बड़ा होना और बी की वैल्यू का छोटा होना जरूरी है, वेयर ए एंड बी स्टैंड्स फॉर नॉन आइडियलिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस व्हिच इज हाईली कंप्रेस्ड बट नॉट अ लिक्विड, यानी ये गैस इस वक्त गैशियस फॉर्म में है लेकिन हाईली कंप्रेस्ड है, तो इस वॉल्यूम को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं व्हिच इज मेंशन इन चॉइस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6,
1 dm cube of CO at STP contains number of molecules. पहले आप मुझे ये बताइए कि मुझे स्टैंडर्डाइज करना चाहिए चीजों को, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं कह सकता हूं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब. और यार यहां पर CO गिवन हो, O2 गिवन हो, N2 गिवन हो, एट STP सब के सब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे. तो एक डीएम क्यूब में कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 22.414. तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, व्हिच इज चॉइस चार्ली 2.68 इनटू 10 रे सुपर 22. ये प्लीज याद कर लीजिएगा, आपको कोई और एग्जांपल भी आ सकती है एग्जाम में, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल रहेगी हर एक के लिए. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट. तो मेट्रोलॉजिस्ट का कॉमन यूनिट क्या है प्रेशर के लिए, दैट इज मिलीबार मेंशन इन चॉइस अल्फा. क्वेश्चन नंबर 8, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट. आप ऑप्शंस को देखिए, दैट इज STP 127 to 80 m, 0 डिग्री सेल्सियस टू 80 में 273. जब भी आपको चार कंडीशंस दे दी जाएं, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेंपरेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एट हाईएस्ट टेंपरेचर यू विल हैव मैक्सिमम वॉल्यूम. तो आप मुझे बताइए हाईएस्ट टेंपरेचर की कौन सी कंडीशन मेंशनड है, दैट इज 273 डिग्री सेल्सियस. अगर इस स्टेटमेंट में चॉइस 1000 डिग्री सेल्सियस होती, तो दैट कुड हैव बीन योर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच गैस हैज हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट. जब भी आपको ऐसे सवाल आएंगे, बेटा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है. इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो आप मुझे बताइए हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे देखेंगे, हायर द मोलर मैसेस लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. जिसका साइज बड़ा उसकी वेलोसिटी कम होगी. तो आप इनको अरेंज करेंगे लोअर टू हायर मैसेस की तरफ. SO2 का मास कितना आ रहा है, जो एग्जांपल आपको दी हुई है, SO2 का मोलर मास 64. दूसरी एग्जांपल आपको दी गई है क्लोरीन Cl2, तो इसका मोलर मास है 71. तीसरी एग्जांपल जो आपको दी गई है, दैट इज अमोनिया. अमोनिया का क्या मोलर मास है, 17. और चौथी एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग अ मास 44. तो सबसे कम मोलर मास वाली वुड हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो द चॉइस इज चार. क्वेश्चन नंबर 10, टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ रियल गैस अंडर नॉन आइडियल कंडीशन, बेटा अल्टरनेट काइनेटिक इक्वेशन हैज बीन डेवलप्ड. दिस इज कॉल्ड एज, बेटा इस इक्वेशन को वैन डर वाल्स इक्वेशन कहा जाता है. वैन डर वाल्स इक्वेशन से क्या मुराद है, वैन डर वाल्स इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी बुक में मौजूद है, दैट इज पी प्लस एन स्क्वायर ए ओवर वी स्क्वायर इनटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ये रियल गैस इक्वेशन है, द अदर वन इज आइडियल गैस. क्वेश्चन नंबर 11, द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला डी इज इक्वल टू, दैट इज पी एम ओवर आर टी. बुक में डेरिवेशन मौजूद है. सो 11 हैज दिस आंसर चॉइस बीटा. क्वेश्चन नंबर 12, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस. बेटा अगर अपनी ऑप्शंस को देख लें, सारी ऑप्शंस मीटर क्यूब में. जब ऑप्शंस मीटर क्यूब में गिवन होंगी, तो हमें क्या करना है, पहले तो स्टैंडर्डाइज करें कि एक मोल में किसी सब्सटेंस के 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए. अब मेरे पास दोनों चीजें बदल गई हैं. यहां पर किलो मोल है, तो इसका मतलब किलो मोल होगा 10^3. ये किलो मोल्स में आ गया, किलोग्राम मोल में आ गया. और यहां पर इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटा सेंटीमीटर क्यूब. जब यहां जब डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बनाए जाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको 10^3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बेटा 1 किलो ग्राम मोल के लिए जो मेरे पास यूनिट बचेंगे वो 22.414 मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है. सो द चॉइस इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 13, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया SO2 Cl2 एंड O2 इज. तो आप इनके मोलर मैसेस को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, आपको समझ में आ जाएगा. अमोनिया का मोलर मैस 17, CO2 का क्या मोलर मैस है, दैट इज 44. तो इसके बाद ये आएगा CO2 के बाद SO2 64 है और क्लोरीन 71 है.
तो देखिए मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ. obviously then carbon dioxide 44 then SO2 64 and then Cl2 71. तो जो आपके पास number of moles given है उन्हें conveniently calculate कर सकते हैं. कोई मसले वाली बात नहीं है. आपने सिर्फ और सिर्फ इनके molar masses के लिहाज से arrange करना है. The answer is choice beta. Question number 40. Pressure remaining constant, at what temperature the volume of the gas will be twice of what it is? So, मुझे बताइए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ करता है चार्ल्स लॉ के मुताबिक. और मैं कह रहा हूं कि मुझे जानना यह है इस स्टेटमेंट के अंदर कि किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल होगा. तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल की वैल्यू है. और मुझे कह दीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर के हवाले से डबल करने के लिए जब मैं इसको 2V करूंगा तो obviously direct relationship से ये 2 into 273 हो जाएगा and my answer is 546 in Kelvin. और Kelvin के साथ कभी degree नहीं लगाएं. Question number 15. If absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to half, the volume of the gas will be. बेटा याद रखिए ऐसे तमाम सवाल करने के लिए आपको relationship question करना है. V is directly proportional to T by P. अगर आपके जहन में आ रहा है कि सर ये आप कहां से लाए हैं तो बेटा आपने इक्वेशन पढ़ी थी. यहां पर इसका छोटा सा सॉल्यूशन देता हूं. PV is equal to nRT and V should be direct proportional to nRT by P. और क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो V should be direct proportional to T by P हो सकता है. ये रिलेशनशिप को सॉल्व करने में आपको मदद देगा. किस तरह से? अब स्टेटमेंट की वैल्यूज को पुट कीजिए. वो कह रहा है इफ The temperature is doubled. तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ट्वाइस टेम्परेचर होने की वजह से. एंड दूसरी जगह पे वो कह रहे हैं प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ. तो अगर इसे 1/2 करूंगा तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है ये फिर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 into 2V बेटा 4V होगा एट 2T by P by 2 के ऊपर. सो दिस इज रिलेशनशिप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. मोलर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट. यार आप अपनी चॉइसेस को देखिए क्वेश्चन की. मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर है. जो टेंपरेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा. तो मुझे बताइए मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कहां पर होना चाहिए जहां हाईएस्ट टेंपरेचर है. और ये मेंशन है आपके पास चॉइस डेल्टा के. सॉरी क्वेश्चन नंबर 70. द डेविएशन of a gas from ideal behavior is maximum at. तो याद रखिए deviation happens at a low temperature and a high pressure. तो आपको अपने given circumstances में ABCD choices में से lowest temperature and highest pressure carrying option देखनी है, which is mentioned in choice alpha. Minus 10 is the lowest temperature and 5 atm is the highest pressure. Choice A. Question number 19. At high temperature, the isotherm moves away from both the axes because of change of volume. आप अपनी टेक्सटबुक को देखेंगे तो वहां पर ये ग्राफ की फॉर्म में भी गिवन है कि पहला ग्राफ यहाँ है और दूसरा ग्राफ यहाँ है. तो ये दोनों एक्सिस से ये पॉइंट मूव कर जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम. ये देखिए दोनों एक्सिस से अपनी लोकेशन को चेंज करें. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following has same number of molecules? So choice is delta. Why? Because वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 19 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 20. द डेंसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड. आपसे उसने यूजुअल यूनिट पूछे. यूजुअल का मतलब अमूमी तौर पर डेंसिटी को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. तो आप कहते हैं कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. और अगर ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो आप यूनिट लगा दीजिए. मास के यूनिट्स क्या लगेंगे? होने चाहिए किलोग्राम. लेकिन यहां पर गैस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है मास बहुत थोड़ा होता है इसलिए ग्राम लगेंगे और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है इसके लिए डेसीमीटर. तो ग्राम्स पर डीएमक्यू. चॉइस चार. क्वेश्चन नंबर 21. एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज प्रोपोर्शनल टू. यार स्टेटमेंट को देखो रोटेशन वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन तीनों से इसका ताल्लुक है. लेकिन हमेशा हम क्या कहते हैं हमें मोर सूटेबल चॉइस ढूंढनी है. अगर ऑल ऑफ दीज गिवन होता तो दैट कुड हैव बीन आवर आंसर. लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं गिवन तो क्या करूंगा? रिचेस्ट चॉइस. ट्रांसलेशन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है इसलिए माय आंसर इज ट्रांसलेशन. 22. द मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज. तो बेटा आपको शॉर्टकट सिखाए गए हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल को कैसे देखा जाता है. पहली बात आइडियल होने के लिए गैस शुड बी नॉन पोलर.
और अपनी चॉइसेस में देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी चॉइस में, NH3 है आपकी चॉइस में, SO2 है और आपकी चॉइस में N2 है। ये देखिए इनके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ये गैसेस पोलर हैं, सो दे कैन नॉट बी योर आंसर। पीछे क्या बचा? नॉन पोलर गैसेस। अमंग नॉन पोलर गैसेस इट इज द मोलर मास व्हिच डिसाइड्स, जिसका लोअर मास होगा वो ज्यादा आइडियल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का मास क्या है? 28 और इसका मास है 44, सो नाइट्रोजन इज योर आंसर, चॉइस इज दैट 23। All gases liquefy before reaching zero Kelvin, because zero Kelvin is something which has never been observed for any gas. 24 एक numerical problem है। आप values लगाएंगे, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 का formula लगाएंगे। इस formula के मुताबिक उसने, so let's put in the values। यहाँ पर statement के मुताबिक P1 है 2 और P2 गिवन है as 180 N। यहां पर मेरे पास T2 0 डिग्री सेल्सियस है और T1 273 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है उसमें V1 5 लीटर है और आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज को पुट करेंगे, योर आंसर वुड कम आउट टू बी 5 लीटर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25। ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग जीरो केल्विन। जीरो केल्विन से आने से पहले पहले इनफैक्ट गैस के मॉलिक्यूल इतना करीब आते हैं दैट दे स्टार्ट डेवलपिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस डेवलप हो जाएं तो ये नॉन आइडियलिटी को पैदा कर देता है, सो गैस लिक्विड बन जाती है। गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, सो द चॉइस इज जीरो केल्विन, चॉइस स्टडी। 26 द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ द बॉयल्स लॉ। बेटा याद रखिए, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, कहीं पर भी जब आप दो पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेटा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, लेकिन जो थर्ड वैल्यू होती है पीटी और डी में से, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर एंड दैट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो हम कह सकते हैं पैरामीटर फॉर द बॉयल्स लॉ इज टेम्परेचर एंड द फिनोमेना इज आइसोथर्मल, और वो तमाम ग्राफ्स जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेसेस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27। द वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 गैसेस। बेटा असूल ये है कि स्टैंडर्डाइज करें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 गैस होते तो इसका मास क्या है? वेट उसी तरह गिनेंगे, 32 ग्राम। 1 डेसीमीटर क्यूब में क्या होना चाहिए? यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 22.4। आंसर 1.4 के करीब आएगा, और देखिए कितनी चॉइसेस 1.4 है, दैट इज ओनली अल्फा। क्वेश्चन नंबर 28। PV is equal to 1/3 mNc² is an expression for kinetic gas equation। Kinetic molecular theory of gases का ये average kinetic energy is directly motion to absolute temperature का postulate है, जिसे modify किया हो। 29। For a gas, isotherm is a graph between P and V। बेटा जब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो टेम्परेचर मीन्स कॉन्स्टेंट, और ऐसा ग्राफ जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया जाए हमेशा आइसोथर्मल कहलाएगा। 30। The gas laws are not obeyed by General Gases Act। The gas law is never obeyed at low temperature and high pressure। और आपको ये भी सवाल आ सकता है कि इन दो कंडीशंस के ऊपर ये क्यों नहीं ओबे किया जाता। तो बेटा प्रिंसिपल फैक्टर ये है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लो टेम्परेचर पर भी फोर्सेस ऑपरेटिव हो जाती हैं और हाई प्रेशर पर भी फोर्सेस ऑपरेटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस कैन नॉट बिहेव आइडियली। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज करेक्ट। 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। चार्ली चॉइस में लिखा हुआ है, उसी के आगे लिख सकते हैं आप 1.0125 bars या 1.0125 pascals, या उसी के आगे लिख सकते हैं 14.7 psi। They all are different units for measuring pressure। Question number 32। Absolute zero is equal to, but absolute zero value है -273 degree Celsius। यानी 32 के लिए आप लिख सकते हैं -273 degree Celsius, और इसको लिख सकते हैं 0 केल्विन। 33। As a units
for the measurement of pressure are Pascal. ये बात मैं मानता हूँ. Alpha is the right answer. लेकिन although Pascal is SI unit, but we don't commonly use it. Why? The unit is too small. So the calculations become tough. लेकिन आंसर यहाँ पर SI के हवाले से Pascal ही रहेगा. Choice alpha. Question number 34. यार ये definition है. Spontaneous homogeneous mixing of molecules of different gases by random motion and collision. Alpha choice. ये diffusion की definition है. 35. Equal volume of all gases carry equal number of molecules. This is called as Avogadro's law. So 35 to V directly proportional to N है. इतनी सी बात. 36. Barometer is used to measure. तो बेटा प्रेशर की मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? We'll be calling it as barometer. Choice alpha. 37. Absolute zero is equal to. मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि absolute zero इतनी इंपॉर्टेंट फिगर है कि आप कोशिश कीजिए कि इसे हर स्केल पर अंडरस्टैंड कर लें. कैसे? Absolute zero अगर मेजर किया जाए तो इसे जीरो केल्विन कहेंगे या डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में -459.7 फ़ारेनहाइट लिखा जाएगा इसे, which is mentioned in choice meter. Question number 38. The nature of the pressure volume graph is. बेटा जब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अपने बॉयज लॉ में बनाया तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 38 है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आप कहते हैं कि ये हमेशा किस तरह का है? रेक्टेंगल बट हाइपरबोलिक कर्व. This is hyperbola. और याद रखिए, a hyperbolic curve between P and V always symbolizes inverse relationship. जैसा आपने पढ़ा, straight line curve हमेशा direct relationship बताते हैं, तो बेटा hyperbolic curve हमेशा inverse relationship बताते हैं. Question number 39. The absolute zero is dash for a gas. So absolute zero is always unattainable. You cannot get this for a gas. As it's a hypothetical temperature, इस temperature के आने से पहले substance gas liquid में convert हो चुकी है. And 40th, the last question, the value of R is units आपके सामने है. Choice beta value है, याद रखने वाली बात है, 8.314. Gases की हद तक बस इतना ही. इंशाल्लाह अगले unit की discussion में मिलते हैं. प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फैसिलिटी से बेनिफिट ले सकें.